नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन की एक एक पोल ना खोल दूँ तो फिर कहना जी। दोस्तों, बस आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अगर ध्यान से देख लेंगे तो दोस्तों हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अपने जीवनकाल की सच्चाई को जानकर बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। जी दोस्तों, आपके जीवनकाल में कौन कौन सी दोस्तों आपके जीवनकाल की हर एक सच बात इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आपके जीवनकाल में समस्या क्यों आ रही है, समस्या का क्या समाधान है, कौन से लोग आपके दुश्मन हैं, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके जीवन काल के सारे पोल एक एक करके आज के इस वीडियो में हम खोल देंगे। बशर्ते दोस्तों हम आप सभी से यही निवेदन करते हैं कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। क्यों दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कितनी बड़ी वीडियो बहुत ही मेहनत करके हमारी टीम द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये दोस्तों जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और दोस्तों अगर आप इन्हें शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे और इन ज्ञान को अपने जीवनकाल में प्राप्त करके सफल हो जाएंगे तो दोस्तों हमारा भी मेहनत, हमारा भी पुण्य का गाढ़ा बढ़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम आपको यह बात भी बता दें कि आज के वीडियो में जो बातें आपको पता चलने वाली है दोस्तों, इन बातों को किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें और साथ ही आपको बता दें कि वीडियो को बिल्कुल आप शांत होकर अकेले में देखें। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय शिव लिख दें। भगवान महाकाल का, सच्चे शिव शंकर का आपको सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आपके अंदर सबसे पहला गुण यह है दोस्तों, सबसे पहला गुण कि आप सब जो है बहुत ही दृढ़ और कठोर दिल के इंसान होते हैं, कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। नंबर दूसरा, आपके अंदर छल और कपट देखने को नहीं मिल सकता। कभी कभार ऐसा होता है जो व्यक्ति आपके साथ छल भी करते हैं आप उन्हें माफ भी कर देते हैं। नंबर तीसरा कि आप लोग धर्म में बहुत ही ज़्यादा आस्था रखते हैं, भक्ति भाव पर आपको बहुत ही ज़्यादा विश्वास होता है। नंबर चार, आपकी राशि के जितने भी जातक हैं उनके अंदर कभी भी भेदभाव और लालच देखने को नहीं मिलते। आपकी राशि के जातक कभी कभी भी किसी चीज़ की लालच नहीं करते, जो भगवान ने दिया है उसी में आप खुश रहते हैं। आपका मानना है कि भगवान जो भी हमें देना चाहता है हमें वह स्वीकार है। आप किसी के धन दौलत को देखकर, किसी की तरफ उनकी खुशियों को देखकर निंदा नहीं करते, सिर्फ अपने कर्म को करते रहते हैं और अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और जो मिलता है उन्हें आप बहुत ही स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। नंबर सिक्स, आपकी राशि के जितने भी जातक हैं हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, भले ही इनके जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा भागदौड़, बहुत ही ज़्यादा चिंताएं होती है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में हमेशा आप अपने कर्मों के अनुसार अच्छी खुशियाँ ढूंढ ही लेते हैं और दोस्तों आपके कर्म के अनुसार आपको सफलता अवश्य ही मिलती है। इसको प्राप्ति नंबर सिक्स गुण यह है कि आप लोग कभी भी बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते। जो भी कार्य आपको करना होता है पहले उसकी जड़ तक जाते हैं, उसके बाद ही कोई निर्णय लेते हैं। और दोस्तों ये आपकी सबसे अच्छी आदत है और इन्हीं आदत के चलते आपको मान सम्मान भी प्राप्त होता है। नंबर सात, आपकी राशि के जो भी जातक हैं आप लोग हमेशा पेटों के रोग और गुप्तांगों के रोग से परेशान होते हैं। आपके जीवन काल में हमेशा पेटों के रोग और गुप्तांगों के रोग आपको परेशान करते रहते हैं। नंबर आठ, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आपको यह चीज़ कैसे पता। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके गुप्तांगों पर काले तिल का निशान अवश्य देखने को मिलता है। दोस्तों यकीन आए तो आजमा कर देख लेना। नंबर नाइन, आपकी राशि के जातक में बहुत ही न्याय देखा जाता है। आप लोग न्यायप्रिय होते हैं, अपना हो या फिर पराया हो सभी को एक समान समझते हैं। न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले आप लोग होते हैं।
या जो भी फैसला करते हैं सही और सत्य करते हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या फिर किसी को बुरा। नंबर 10, आपकी राशि के जो जातक होते हैं वह हसमुख मिजाज के होते हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कॉमेडियन टाइप के होते हैं। आपकी राशि के जितने भी जातक होते हैं मस्ती मिजाज में रहते हैं, हमेशा सभी को हंसाना आपका पैशन बन जाता है। हमेशा मस्ती भरा जीवन आप जीना चाहते हैं, चाहे कितना भी दुख आपके अंदर क्यों ना जाए लेकिन आपके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती है, यह देखा जाता है। नंबर 11, आप लोग बहुत ही ज्यादा दयालु और ईमानदार होते हैं। आपके द्वार पर कोई कुछ मांगने क्यों ना जाए, आप उन्हें खाली हाथ नहीं भेजते, मदद के तौर पर आप कुछ ना कुछ अवश्य उन्हें सहायता करते हैं। नंबर 12, आपकी राशि के जो जातक होते हैं दुखों का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों हमेशा ऐसा देखा गया है कि आप दूसरे के चक्कर में फंस जाते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। कभी कभार दूसरों के चलते तो आप बदनाम भी हो जाते हैं, दंड भी भरते हैं या दोस्तों उनके चलते आप उनकी सजाओं को खुद भुगत लेते हैं। या दोस्तों नंबर 13, आपका यह गुण है कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं हमेशा साफ सरल और कुशलता पूर्वक राजनीति करते हैं। किसी के कपट लेकर किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर आप कोई भी राजनीति नहीं करते, बिल्कुल ही साफ दिल से साफ साफ मुंह पर बोल देते हैं। या दोस्तों युवांति नंबर 14 गुण यह है कि आपको हमेशा बुराइयां मिलती है, चाहे आप किसी के साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, लास्ट में एंड में आपके साथ गलत होता ही है और आप इन्हें बर्दाश्त भी करना नहीं चाहते। नंबर 15, आप लोग हमेशा ऐसे इंसान से दूर रहना पसंद करते हैं जो गलत व्यवहार के व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर गलत गुण होते हैं, जो हमेशा बुराइयों को ही शिक्षा समझते हैं। अगर आप जान जाएं कि यह व्यक्ति चोर है, उचक्का है, तो दोस्तों आप कतई ही उनके साथ रहना पसंद नहीं करते और उन्हें जल्द से जल्द अपने जीवन काल से निकाल देते हैं। नंबर 16, आप लोगों के ऊपर कितना भी बड़ा संकट क्यों ना जाए, आप लोग घबराते नहीं हैं, आप लोग सिर्फ लड़ना जानते हैं, अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं और जो आपको चाहिए उन्हें हासिल कर कर ही छोड़ते हैं। नंबर 17, आप लोग लंबे चौड़े होते हैं, चौड़े छाती चौड़े माथे के आप इंसान होते हैं। नंबर 18, आप लोगों का देखना बोलना चलना उठना बैठना सब लोगों से अलग रहता है, इसलिए ज़्यादातर लोग आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी करते हैं। ये दोस्तों नंबर 19, आपके आँखों में एक अलग सा दिव्य शक्ति होता है जिसके कारण किसी के ऊपर आप नज़र उठाकर देख ले तो उनके ऊपर अलग ही जादू सा चल जाता है और वह आपके बारे में सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कौन है। नंबर 20, आपकी राशि के जातक हमेशा प्यार के और सम्मान के भूखे होते हैं। यदि कोई आपका सम्मान करते हैं, यदि आपको कोई प्यार करते हैं तो आप खुशी से झूमने लगते हैं, आपका दिल ऐसा करता है कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 21, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप दूसरों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होते हैं। अगर आप किसी के भी साथ यात्रा पर जाते हैं या फिर कोई कार्य से बाहर जाते हैं तो उनका काम अवश्य बन जाता है। नंबर 22, आपकी राशि के जातक कभी भी अपने ज़िंदगी में दूसरों के दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो लव पार्टनर से हो, आपके घर परिवार से हो या फिर दोस्ती रिश्तेदारों में हो, आप कभी भी अपने समस्याओं में किसी और को देखना नहीं चाहते, किसी और की दखलंदाजी देखना पसंद नहीं करते। कितनी सी बड़ी समस्या हो आप अपने से ही उन्हें समाप्त कर लेते हैं। नंबर 23, आपकी राशि के जातक ईमानदार और मेहनती होते हैं। आप लोग जो कहते हैं उन्हें पूरा करते हैं, भले ही थोड़ा देर लगे लेकिन उन्हें पूरा अवश्य करते हैं। नंबर 24, आप लोग बहुत ही ज़्यादा त्यागी भी होते हैं, किसी के लिए अपना टाइम अपना इमोशन देने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, उनकी कद्र करते हैं। नंबर 25, आपकी राशि के जो जातक है उनके अंदर यह देखा गया है कि टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है, चाहे वो राजनीति हो या फिर शिक्षा का कोई भी क्षेत्र हो, आप हर क्षेत्र में अपना विजय का झंडा गाड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही बड़ा मुकाम भी हासिल करते हैं। नंबर 26, आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए आपके अंदर बचपन का भोलापन अवश्य ही देखने को मिलते हैं।
और इसी कारण लोग भी आपका फायदा उठाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपने जीवन काल में इनका बदलाव करने की चाहत रखें कि जैसा देश है वैसा भेष बनाना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लोहे को अक्सर लोहे की काटते हैं, तो आप भी अपने समाज को देखते हुए अपने नजरिया अपने ढंग को अवश्य बदलें। नंबर 28, आपके अंदर एक ऐसा गुण है जो सबसे अलग और सबसे अच्छी है कि आप कभी भी किसी के अंदर काम करना नहीं चाहते, अपना एक अलग ही अस्तित्व बनाना चाहते हैं। या दोस्तों, लोगों की गुलामी करना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, चाहे आप कोई भी छोटा कार्य क्यों ना करें, आप स्वयं ही उन्हें तैयार करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों। नंबर 29, आपकी राशि के जितने भी जातक हैं कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, घाटा बर्दाश्त कर सकते हैं, नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई आपको पैसा धन बेईमानी कर ले आप वो भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपमान हो जाए तो आप वह कतई ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। नंबर 30, आपकी राशि के जितने भी जातक है अपने परिवार वालों से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, परिवार में कोई भी संकट आ जाए आप कहीं भी हो दौड़कर घर आते हैं, आपके अंदर घबराहट सी छा जाती है, यूँ कहें तो आपकी राशि के जातक परिवार वालों के लिए जान निछावर कर देते हैं। नंबर 31, आपकी राशि के जातक बुराइयों से हमेशा डरते हैं, आप इसलिए डरते हैं कि कोई झूठी उंगली ना आपके ऊपर उठा दे, कोई आपके ऊपर कलंक ना लगा दे, आपकी वजह से किसी का दिल ना टूटे, किसी के दिल में आपके लिए कोई शक ना पैदा हो, कि कोई आपकी बुराई ना करता हो, आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डरते भी हैं। नंबर 32, सबसे बड़ा गुण आपके अंदर देखा गया है कि आप लोग जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते जब तक आपका दिल कोई अगला व्यक्ति जीत नहीं लेता, आपकी हर एक बात सटीक ना बैठ जाए तब तक आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, और एक बार यदि किसी के ऊपर विश्वास हो जाए तो 7 जन्मों तक चलने की कसमें खाते हैं। नंबर 33, आप लोग जोर तोड़ करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर होते हैं, अपना काम कैसे किसी और से निकलवाना हो ये आपके अंदर बहुत ही बड़ा गुण होता है, आप अपनी मीठी बोली से अपने मीठे व्यवहार से आप उनसे अपना काम अवश्य निकलवा लेते हैं, यह गुण आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है। नंबर 34, आपके राशि के जितने जातक हैं चाहे वो कुंवारे हो या फिर वह शादीशुदा हो, आपके जीवन काल में प्यार की कमी नहीं रहती, इनके जीवन में थोड़े समय के बाद कोई न कोई पार्टनर आ ही जाता है, समय समय पर शारीरिक संबंध भी बनते हैं, लेकिन शादी से पहले तो एक बार संबंध अवश्य ही बनता है। नंबर 35, आपकी राशि के जितने भी संतान होते हैं ज़्यादातर पुत्री होते हैं, यह बहुत ही ज़्यादा अनुभव करने के बाद देखने को मिला है। या दोस्तों, हमने 35 गुणों के बारे में बात किए थे, लेकिन एक और गुण आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जो जातक होते हैं वर्तमान समय में जितना भी धन है आप उनसे संतुष्ट नहीं रहते हैं, आप हमेशा जितना धन आपके पास है उनसे दुगनी कमाने की चाह रखते हैं और आगे कमाते जाते हैं, ये आपकी जीवन की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी गुण है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा उत्साहियों तक लेकर जाते हैं और लोग आपका नाम लेते हैं, इतिहास में आपका नाम रचा जाता है और इसी की वजह से आप पूरी दुनिया पर सभी के दिलों में राज करते हैं। तो दोस्तों, आज का यह भविष्यवाणी आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और ऐसी अधिक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।